1795 में एक घायल आदमी बर्फीले रेगिस्तान के बीच कहीं खो जाता है, जिसे एक साइंटिस्ट विक्टर फ्रैंकेस्टीन अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए दोबारा जिंदा कर देता है। विक्टर ने एक लाश को जिंदगी तो दे दी थी, पर उसे रूह नहीं दे पाया था। बाद में विक्टर खुद ही अपने एक्सपेरिमेंट कर जिंदा किए गए इंसान से डर कर उसे खत्म करने की कोशिश करता है, पर वो एक्सपेरिमेंट से जिंदा किया गया इंसान मौत को मात देकर बच गया। बचने के बाद उस पर बदले की धुन सवार हो गई और उसने विक्टर की बीवी को मार डाला। विक्टर बदला लेने उसके पीछे गया, पर बर्फीले रेगिस्तान की ठंडी तूफानों को विक्टर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वही मर जाता है। एक्सपेरिमेंट कर जिंदा किया गया इंसान विक्टर की बीवी को मारकर अपना बदला ले चुका था। उसे अब विक्टर से कोई शिकायत नहीं थी, इसीलिए वो मरे हुए विक्टर को उसकी जगह दफन करने ले गया जहां उसके परिवार की कब्र थी। विक्टर को दफन कर उसने सोचा कि किस्सा खत्म हो गया है, लेकिन वो गलत था। अभी तो बस कहानी की शुरुआत थी। अचानक वहाँ कुछ शैतानी शक्ल के लोग आ जाते हैं। हम तुम्हें ले जाने आए हैं, ऐसा कहकर वो एक्सपेरिमेंट से जिंदा किए गए इंसान पर हमला करने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए वो वहाँ पड़े एक खास निशान वाले हथियार से हमला करता है, जिसके बाद वो शैतानी शक्ल का हमलावर आँख की लपटों में बदलकर खाक हो जाता है। ऐसा होते ही दूर कहीं कुछ अजीब पत्थर की तरह दिखने वाले कुछ जीव जाग जाते हैं और इधर बाकी के हमलावर भी बौखला कर उसे जान से मारने वाले होते हैं कि तभी एक हमलावर उन्हें ये कहकर रोक देता है कि नबेरियस इसे जिंदा चाहता है। इसी बीच वो पत्थर की तरह दिखने वाले जीव वहाँ पहुँच जाते हैं और शैतानी शक्ल वाले हमलावर को एक एक करके खत्म कर देते हैं। पत्थर की तरह दिखने वाले जीव इंसानी रूप बदलकर एक्सपेरिमेंट से जिंदा किए गए इंसान को बहुत ध्यान से देखते हैं। वो ये समझ चुके थे कि इस इंसान में कुछ तो खास बात है, तभी तो नबेरियस इसे जिंदा चाहता है। उनका ध्यान विक्टर की कब्र पर जाता है, जहां से उन्हें विक्टर फ्रैंकेस्टीन की लिखी किताब मिलती है और फिर वो जीव विक्टर की किताब और एक्सपेरिमेंट से जिंदा किए गए आदमी दोनों को लेकर अपनी रानी लियोनोर के पास पहुँचते हैं। लियोनोर गारगोयल्स की रानी थी। गारगोयल्स पर मार्क एंजल का राज था। गारगोयल्स का काम आसमान से आए डीमन से इंसानों को बचाना था। गारगोयल्स और डीमन्स के बीच हमेशा जंग जारी रहती है, जिसके बारे में इंसानों को कोई खबर नहीं है। ये सारी बातें बताकर एक्सपेरिमेंट किए गए इंसान को लियोनोर एक नाम देती है, एडम, और बताती है कि कब्रिस्तान में जो शैतानी शक्ल के लोगों ने उस पर हमला किया था वो कोई और नहीं बल्कि अंधेरे के बादशाह नबेरियस के भेजे गए डीमंस थे। पर उन्हें अभी नबेरियस के इरादे का पता नहीं है कि वो एडम को क्यों हासिल करना चाहता है, और इसीलिए तब तक एडम गारगोयल्स के साथ रुक सकता है, क्योंकि अब एडम भी गारगोयल्स और डीमंस की लड़ाई का हिस्सा है। गारगोयल्स एडम को वो हथियार दिखाते हैं जिससे डीमंस को मारा जा सकता है। इन हथियारों पर एक खास होली साइन बना हुआ था। एडम उनमें से एक हथियार लेकर वहाँ से चला जाता है। लियोनोर अपने सेनापति गिडियन को वो किताब छुपा कर रखने के लिए दे देती है जो विक्टर ने लिखी थी, क्योंकि लियोनोर समझ चुकी थी कि एडम बिना रूह के कभी ना मरने वाला एक ताकतवर इंसान है और विक्टर की किताब में एडम को बनाने का नुस्खा दिया हुआ है, जो अगर गलती से भी नबेरियस के हाथ लग गया तो वो एडम जैसे कई इंसान बनाकर अपने डीमंस की तादाद बढ़ा लेगा। उस दिन गारगोयल्स के महल से निकलने के बाद एडम अगले 200 सालों तक यहाँ वहाँ भटकता रहता है, पर जहाँ भी वो जाता था नबेरियस के आदमी उसे ढूंढ लेते, लेकिन वो उन्हें खत्म करके आगे बढ़ता जाता। एक दिन इन सब से थककर एडम ने ठानी अब डीमंस उसे नहीं ढूंढेंगे बल्कि वो डीमंस को तलाश कर उन्हें खत्म कर देगा, ताकि वो अपने आगे की जिंदगी सुकून से जी सके। सुकून की तलाश उसे इंसानी दुनिया में ले आती है, जहां उसे डीमंस मिल भी जाते हैं। वो एक एक करके उन्हें खत्म करता जा रहा था, पर डीमंस और एडम की इस लड़ाई के बीच एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो मारा जाता है। एडम बचे हुए डीमंस को खत्म करके उनके पीछे जा रहा होता है कि तभी एक गारगोयल उसे पकड़कर अपने साथ लियोनोर के पास ले जाता है। एडम की डीमन से जंग में इंसान के मरने से गारगोयल नाराज थे। वो इंसानों के रक्षक थे और किसी भी डीमन से जंग में इंसानों का नुकसान उन्हें गवारा नहीं था, इसीलिए वो एडम से अपने हथियार छीन कर उसे अपने महल में कैद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ नबेरियस एक बिजनेसमैन के भेष में कई सालों से कुछ साइंटिस्ट से मरे हुए जीवों को जिंदा करने के लिए एक्सपेरिमेंट करवा रहा था। एडम से बचकर एक डीमन नबेरियस के पास पहुंचता है। वो डीमन नबेरियस को एडम की क्षमताओं के बारे में बताता है कि कैसे एक आम इंसान जैसे दिखने वाले एक आदमी ने उनके 60 डीमंस को मार गिराया। ये बात नबेरियस को परेशान
परेशान कर देती है। नबेरियस के एक्सपर्ट साइंटिस्ट टेरा ने मरे हुए जानवरों को दोबारा जिंदा करने की खोज कर ली है, पर नबेरियस चाहता है कि ये एक्सपेरिमेंट जल्द से जल्द इंसानों पर भी सफल हो। साइंटिस्ट टेरा नबेरियस को बताती है कि ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि अब तक इतिहास में कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। नबेरियस टेरा को साइंटिस्ट विक्टर फ्रैंकेस्टीन के बारे में बताता है और उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में भी कि उसने एक मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर दिया था। नबेरियस समझ चुका था कि अगर वो मरे हुए इंसानों को दोबारा जिंदा करने के एक्सपेरिमेंट को जल्द सफल होता देखना चाहता है तो उसके लिए उसे एडम की जरूरत है, क्योंकि एडम ही उसके इस एक्सपेरिमेंट को सफल बना सकता था। तो अब एडम को पाने के लिए जूरियल नबेरियस के पास एक प्लान लेकर आता है, गार्गोयल्स पर हमला कर एडम को हासिल करने का प्लान। नबेरियस को जूरियल पर बहुत यकीन था, इसीलिए वो गार्गोयल्स पर हमला करने की इजाजत दे देता है। डीमंस की एक बड़ी फौज गार्गोयल्स पर हमला कर देती है। दोनों के बीच घमासान मुकाबला होता है। गार्गोयल्स की फौज कम होकर भी डीमंस को टक्कर दे रही थी, पर उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से गार्गोयल्स कमजोर पड़ने लगते हैं। मजबूरी में लियोनोर को अपने सेनापति को भी लड़ने भेजना पड़ता है। ये सब देख एडम गार्गोयल से कहता है कि वो भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ना चाहता है और वो उसे आजाद कर दे। गार्गोयल्स आखिरकार एडम को आजाद कर हथियार वापिस दे देते हैं। गार्गोयल्स अपने कई सिपाहियों को खो चुके थे और रानी लियोनोर को अकेला पाकर डीमंस उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। एडम एक डीमंस से उस जगह का पता पूछ लेता है जहां डीमंस ने रानी को छुपाया था। लियोनोर का सेनापति गीडियन अपनी रानी को वापस लाने के लिए विक्टर फ्रैंकेस्टीन की वो किताब लाकर जूरियल को दे देता है। जूरियल उस किताब के बदले लियोनोर को वापस दे देता है। लियोनोर की जान तो बच गई थी, पर अब किताब जूरियल के हाथों में थी और इसीलिए अब एडम भी उस किताब को हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसके वजूद से जुड़े सारे राज उस किताब में बंद थे। किताब को हासिल करने वो जूरियल के पीछे नबेरियस की जगह पर पहुंच जाता है। वहां उसे एक अजीब सी चीज दिखती है। एक फ्लोर के बंद दरवाजों के पीछे लेप था जिसमें ढेरों लाशें थी और बड़े बड़े मशीनों के साथ उन लाशों को जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। दूसरे फ्लोर पर पहुंचने पर उसे एक्सपेरिमेंट करती टेरा और उसके साथ एक और साइंटिस्ट मिलता है। नबेरियस ने टेरा को विक्टर फ्रैंकेस्टीन की किताब दे दी थी। टेरा किताब को पढ़कर एक्सपेरिमेंट में लगी थी, पर जैसे ही एडम लैब के शीशे तोड़कर अंदर पहुंचा, टेरा डरकर विक्टर की किताब को एडम के हवाले कर देती है। लेकिन तब तक हर जगह सिक्योरिटी अलार्म बज चुके थे। नबेरियस के लोग भी एडम पर हमला करने वहां पहुंच चुके थे। अब इससे पहले कि वो एडम पर हमला करते, नबेरियस उन्हें रोक देता है। नबेरियस एडम को अपनी झूठी बातों में फंसाकर उसके पास रुकने के लिए कहता है। वो एडम को अपना गलत नाम बताता है और एक्सपेरिमेंट के लिए उसकी मदद मांगता है। थोड़ी देर के लिए तो नबेरियस की बातें एडम को कंफ्यूज कर देती है, पर जैसे ही एडम उसकी आंखों में देखता है वो समझ जाता है कि ये वही डीमंस का राजा नबेरियस है और एडम वहाँ से भाग निकलता है। एडम अपने वजूद से जुड़ी सारी जानकारियों को समझना चाहता था और इसीलिए उसे टेरा की जरूरत थी। नबेरियस और जूरियल को भी इस बात का अंदाजा लग चुका था, इसीलिए वो लोग जानबूझकर टेरा को छुट्टी दे देते हैं ताकि एडम विक्टर फ्रैंकेस्टीन की किताब को समझने के लिए टेरा के पीछे जाए और वो उससे उस किताब को हासिल कर ले। जूरियल का अंदाजा सही निकला। एडम टेरा से मिलता है और उसे किताब के बारे में जानने की कोशिश करता है। टेरा बताती है कि उसने अभी किताब नहीं पढ़ी है, इसीलिए उसे किताब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एडम टेरा से मदद मांगने के लिए उसे गार्गोयल्स और डीमंस के बीच की जंग के बारे में बताता है, साथ ही नबेरियस के इरादों के बारे में भी कि नबेरियस लैब में ढेरों लाशें इकट्ठा कर उन्हें जिंदा करने की फिराक में लगा हुआ है ताकि वो उन मरे हुए लोगों से अपनी एक डीमन आर्मी खड़ी कर सके। लेकिन टेरा को एडम की बातों पर यकीन नहीं आता। तभी वहाँ जूरियल अपने डीमन रूप में आकर एडम पर हमला कर देता है। अब टेरा को यकीन हो जाता है कि एडम की बातें सच थी। जूरियल और एडम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जूरियल एडम को घायल कर वो किताब ले लेता है और उसे बताता है कि नबेरियस अब इस किताब से लैब में पड़ी उन ढेरों लाशों को जिंदा कर अपनी आर्मी खड़ी करेगा, क्योंकि डीमन सिर्फ उसी शरीर पर कब्जा कर सकते हैं जिनके अंदर रूह ना हो। जिस तरह एडम बिना रूह के एक जिंदा इंसान है, ऐसे इंसानों
के शरीर में डेमन्स दोबारा जिंदा हो जाते हैं। और हाँ, अब उन्हें विक्टर फ्रैंकेस्टीन की किताब मिल चुकी है, इसलिए उन्हें एडम की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो एडम को मारने वाला होता है कि टेरा उसे ये कहकर रोक देती है कि एक्सपेरिमेंट में उसे अभी एडम की जरूरत पड़ेगी। अब इस बात का फायदा उठाकर एडम जूरियल पर हमला कर उसे मार देता है। एडम और टेरा विक्टर फ्रैंकेस्टीन की किताब लेकर सेफ जगह छुप जाते हैं। टेरा एडम के जख्मों का इलाज करती है। एडम टेरा को बताता है कि अब वो गार्गोयल्स के पास जाएगा क्योंकि डीमन से लड़ाई के दौरान उनके बहुत से लोग मारे गए हैं। अब वो गार्गोयल्स के साथ मिलकर डीमन्स को खत्म करेगा, वरना नबेरियस अपनी आर्मी बनाकर दुनिया और इंसानों को खत्म कर देगा। टेरा एक रात में विक्टर फ्रैंकेस्टीन की पूरी किताब को पढ़ लेती है। वो एडम को बताती है कि विक्टर फ्रैंकेस्टीन उसके लिए एक साथी बनाना चाहता था और वो समझ चुकी है कि अब एडम चाहता है कि टेरा उसके लिए ऐसा करे। टेरा अपने साथी साइंटिस्ट को नबेरियस के बारे में बताने के लिए उससे मिलने जाती है। एडम टेरा को अपनी सेफ्टी के लिए डीमंस को मारने वाला एक हथियार देता है, जिसके बाद एडम गार्गोयल्स के पास चला जाता है और टेरा अपने साइंटिस्ट साथी से मिलने। एक तरफ नबेरियस टेरा को पकड़ लेते हैं और उसे धमका कर एक्सपेरिमेंट करवाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एडम नबेरियस के इरादे के बारे में गार्गोयल्स को बताता है तो लियोनोर उसे कहती है कि एडम अगर उन्हें वो किताब लाकर दे दे तो गार्गोयल्स उसे और टेरा दोनों को बचा लेंगे। अब एडम विक्टर फ्रैंकेस्टीन की किताब लाने वापस चला जाता है, पर लियोनोर को अब लगने लगता है कि एडम और विक्टर फ्रैंकेस्टीन की किताब दोनों ही मानवता के लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए वो गिडियन को आदेश देती है कि वो एडम से किताब लेकर उसे खत्म कर दे। गिडियन एडम पर हमला करता है, लेकिन एडम अपनी ताकत से गिडियन को खत्म कर देता है। गिडियन के मरने से गार्गोयल्स को बहुत धक्का लगता है। इधर नबेरियस टेरा को धमका कर उससे मरे हुए इंसानों को जिंदा करने का तरीका पता कर अपने दूसरे साइंटिस्ट से लेब की ढेरों लाशों को जिंदा करने का प्रोसेस शुरू करवा देता है। एडम नबेरियस के इरादों को तबाह करने के लिए सबसे पहले विक्टर फ्रैंकेस्टीन की किताब को ही जला देता है। उसके बाद वो गार्गोयल्स को अपने पीछे वहाँ लेकर पहुँचता है जहाँ नबेरियस था। लियोनोर कि तुम्हें खुदा की तरफ से नहीं मिली तुम्हारी जिंदगी। अब एडम की डीमन से लड़ाई में युद्ध शुरू हो जाता है। एडम नबेरियस को मारने उसके पास पहुंचता है। नबेरियस अपने शैतानी रूप में आकर एडम पर हमला कर देता है। एडम और नबेरियस की लड़ाई में टेरा उस प्रोसेस को रोकने लगती है, जिससे ढेरों लाशें वापस जिंदा होने वाली थी। नबेरियस ये देखते ही टेरा पर हमला कर देता है। टेरा को बचाने के चक्कर में एडम घायल हो जाता है। अब इसका फायदा उठाकर नबेरियस एडम को पकड़कर उसके माथे पर शैतानी निशान बनाता है। वो उस पर कब्जा कर उसे डीमन बनाने के मंत्र पढ़ने लगता है। धीरे धीरे लेब की सभी लाशें डीमन में बदलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन तब तक लेब में लियोनोर कुछ गार्गोयल्स के साथ वहाँ पहुँच चुकी थी। वो गार्गोयल्स को ये आदेश देती है कि वो उन सभी डीमन में बदल रही लाशों को खत्म कर दे। अब गार्गोयल्स जैसे ही लाशों को तबाह करना शुरू करते हैं, नबेरियस की शक्तियाँ कमजोर होने लगती है और एडम भी डीमन में नहीं बदलता है। नबेरियस को कमजोर पड़ता देख एडम हथियार से उसके शरीर पर वही होली निशान बना देता है, जिससे डीमन्स को खत्म किया जाता है। अब ऐसा करते ही नबेरियस आँख की लपटों में बदलकर खत्म हो जाता है। नबेरियस की काली दुनिया का अंत हो जाता है। अंधेरे से लियोनोर एडम और टेरा को बचाकर अपने साथ ले जाती है। गार्गोयल्स और एडम की जीत होती है और डीमंस की काली दुनिया का खात्मा। एडम के पास साथी के रूप में टेरा थी और उसे अब अपने फ्रैंकेस्टीन होने पर गर्व था।